हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं चांगी विलेज। सिंगापुर में चांगी विलेज एक बहुत अच्छा प्लेस है। वहाँ पर हमें सी देखने को मिलेगा और साथ ही में वहाँ पर एक मंदिर भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है वहाँ पे। हम आ चुके हैं चांगी विलेज। यहाँ पर ये मेन एंट्रेंस है, पार्किंग है और कैफेटेरिया है। बहुत सारे कैफेज हैं और रेस्टोरेंट्स भी हैं। यदि आप साइकिलिंग में इंटरेस्टेड है तो आप साइकिल रेंट पर लेकर चांगी विलेज पॉइंट का एक पूरा टूर कर सकते हैं। ये जो आपको बोट दिख रही है, ये यहाँ पर पास ही में एक आइलैंड है पुलाव बिन, ये वहाँ पर उसे लेके जाती है। इसे यहाँ पर फेरी कहते हैं। आप इसके थ्रू उस आइलैंड तक पहुँच सकते हैं। यहाँ पर गार्डन है, आप गार्डन में बैठ सकते हैं। आप बढ़िया समुद्र की लहरों को देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अब हम लोग आ गए हैं एकदम नज़दीक सी के, और साथ ही में हमें दिख गया था एक प्लेन, क्योंकि यहाँ पर ये एयरपोर्ट के पास ही है, तो यहाँ पर फ्लाइट्स बहुत सारी आपको देखने को मिलेगी। बहुत ही सुंदर सा बीच है और यहाँ पे बहुत सारी फैमिली, बच्चे सभी है, और यहाँ पे खेलने के लिए भी बहुत सी जगह है, तो आप आराम से बैठ के इंजॉय कर सकते हैं और समुद्र को देख सकते हैं।
हम लोग जब गए थे तब सनसेट का टाइम हो चुका था, तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा सीन था और सभी लोग फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे, क्योंकि रियल में देखने में वो नज़ारा बहुत ही सुंदर था। अब यहाँ पर है एक गार्डन और वहाँ पर है बच्चों के लिए बहुत सारे झूले लगे हुए हैं, तो हम भी वहाँ का एक टूर कर लेते हैं कि क्या क्या है बच्चों के लिए। ये वही बोट्स है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, जो पुलाबिन आइलैंड लेके जाती है। चांगी विलेज घूमने के बाद यहाँ पर एक नज़दीक ही राम सीता जी का एक बहुत ही सुंदर टेंपल है। अब हम लोग वहाँ पर आ गए हैं, तो चलिए मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ कि ये कितना सुंदर मंदिर है। सो ये था आज का चांगी विलेज टूर। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।